आपको फ्रांस या विदेशी सभ्यता को पता है कितना गलत की समझो। जो अपने भारत का सभ्यता है वो मर्यादा पूरा, लेकिन विदेश का तो उसकी माँ उसको 5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए, ठीक है। तो माँ के बारे में वो नहीं जानता, क्यों नहीं जानता था, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था। लेकिन उसने ठान लिया क्या लिखना है मेरे को, माँ के बारे में किताब लिखना है। क्या लिखना है? बुक लिखना। वो दृढ़ निश्चय कर चुका था मैं लिखूंगा तो अब माँ के बारे में, ठीक। तो उसने अपना बोरिया बिस्तर पकड़ा और सोच लिया कि अब सब देश जा जाके घूमूंगा और माँ कैसे होता है उसके बारे में अपनी किताब में लिखूंगा, ठीक। बोरिया बिस्तर बांधा, कॉपी पेन पकड़ा और सबसे पहले अपने एरोप्लेन में बैठ के वो कहाँ गया? जापान। कहाँ गया? जापान। जापान की राजधानी क्या? जापान का टोक्यो। टोक्यो 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 इसके ताली बजा क्या है? जापान के टोक्यो से कहाँ पहुंचा? टोक्यो से। और घर के बाहर लगा था खिड़की, क्या लगा था? घर के बाहर लगा था खिड़की। वो राइटर खिड़की के सामने चले गए और खिड़की से झांकने लगा, अंदर में देखा, अंदर में क्या देखा? एक औरत थी और एक छोटा सा बच्चा 1 साल 2 साल के। वो औरत क्या कर रही थी? अपने बच्चे को चलना सिखा रहे थे। क्या कर रहे थे? चलना सिखा रहे, ठीक। कैसे चलना सिखा रही थी? उस समय के लिए मान लो मैं माँ हूँ, एंटरटेन मत कर, उस समय के लिए बस मान, ठीक है। और एक छोटा सा बच्चा यहाँ पास, ठीक, उसको बोल रही कम बेबी कम। वो बच्चा जैसे उसके पास आते दो कदम पीछे उड़ जाते, फिर उसके बाद बोलती कम बेबी कम, फिर 2 कदम पीछे उड़ जाते। वो माँ अपने बच्चे क्या सिखा रही? क्या चलना सिखा रही? उसके अलावा क्या सिखा रही? चलने के लिए उसको पकड़ भी सकती थी वहाँ पास। वो क्या सिखा रहे अपने बच्चे? आगे बढ़ना, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुकना। ये सिखा रही है कि नहीं सिखा रही? जापान की मामले बच्चे क्या सिखा रही है? हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी रुकना मत, ठीक। तो ये बात को अपने कॉपी में लिखा, फिर उसके बाद चले गया दूसरा देश। कहाँ गया? अमेरिका। कहाँ गया? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क। क्या है अमेरिका की राजधानी? न्यूयॉर्क है क्या? अमेरिका की राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क है क्या सर? न्यूयॉर्क क्या है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। ताली बजाओ इस लड़के के लिए। अरे सर मोबाइल पे सर्च करके आपको सारे बात के बताया, वो इसका प्रॉब्लम है, मेरे आंसर पर कहां पहुंचा वो? वाशिंगटन डीसी। वहां क्या देखा वो? खिड़की बाहर, वहां भी एक माँ थी और एक बच्चा था। क्या था? एक माँ और एक बच्चा। वो अपने बच्चे को कैसे चलना सिखा रही थी? सीढ़ी ली, जो सीढ़ी आता है देखना ऊपर चढ़ने वाला, ठीक है, एक के ऊपर एक, उसमें अपने बच्चे को बुला रही कम में भी कम। जैसे पास आया वो दूसरे सीढ़ी में चढ़ गई, फिर उसका बच्चा आया, फिर वो तीसरे सीढ़ी में चढ़ गई। वो माँ अपने बच्चे क्या सिखा रही? ऊपर चढ़ते रहना। क्या सिखा रही? ऊपर चढ़ना। क्या चीज के लिए? वो चाहती उसी में रुकती, उसको चला देते थे। और क्या सिखाना चाहिए? क्या सिखा रही है? वो अपने बच्चे को ये सिखा रही है कि तुमको वो असीम ऊंचाई तक पहुंचना है जहां कोई पहुंच ना सके, तुम्हें कभी रुकना नहीं, हमेशा कहां पहुंचना है? असीम ऊंचाई तक पहुंचना है। यहां से वो समझ गया और अपनी कॉपी में नोट किया। फिर उसके बाद कौन से देश चले गया? चीन। कहां गया? चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग है क्या? बीजिंग। वहाँ भी खिड़की के बाहर गया और बच्चों को देखा। क्या किया? बच्चे और एक माँ को देखा। वहाँ माँ अपने बच्चे कैसे चलना सिखा रही थी? एक बच्चा था, उसके सामने ढेर सारे खिलौने रखे। क्या रखे? ढेर सारे खिलौने। फिर उसके बाद दूर खड़े हुए और उसके आगे और सारे ढेर खिलौने। उसके बाद बोलती कम में भी कम। क्या बोलती है? कम में भी कम। उसका बेटा उस खिलौने को हटा के उसके पास पहुंचने की कोशिश किया, फिर नया खिलौना मिल गया बड़ा बड़ा, फिर उसको हटा के उसके पास पहुंचा। तो वो माँ अपने बच्चे क्या सिखा रही? वो सिखा रही मुश्किलों को हटा कर आगे बढ़ो। सिखा रही मुश्किलों को हटा कर आगे बढ़ो, मुश्किलों का सामना करो। सिखा रहे की सिखा रहे? वो बच्चे की ये बता रहे तुम्हारे रास्ते में जो भी टकराव है उसको पार करके आगे बढ़ो। जो चीन करता है कर रहे की करते कर रहे हैं, जो अपने कर रहे राव में जितने काटे सबको हटा रहे बोलते नहीं बोलते। तो उसकी माँ उसको ये सिखा रही। फिर चौथे नंबर में कौन सा देश गया? साउथ अफ्रीका। कहाँ गया? साउथ अफ्रीका। वहां भी सेम जगह में एक खड़ा हो गया और देखा वहां एक माँ थी जो अपने बच्चे के आंख में पट्टी बांध
उसका पास थे, उसके पास पहुंचते दूसरे दिशा में जाके फिर चिल्लाते उसको, कम मेरी कम, उसके हाथ में क्या बंद है पट्टी। और साउथ अफ्रीका के लोग राजधानी नहीं पूछे ना, राजधानी क्या होता है साउथ अफ्रीका में याद तो आने दे। साउथ अफ्रीका का तीन राजधानी याद रखो, क्या है तीन राजधानी, पहला है कैप टाउन, क्या है कैप टाउन, दूसरा है रिडियो स्प्रिट रियोर, क्या है रिप रियोर, और लास्ट है ग्लेन फाउंडर, ग्लेन फाउंडर, ठीक है। ये इतने सारे उसके तीन राजधानी, तो उसमें तीनों जगह नहीं गया, एक गया वो क्या गए कैप टाउन, कहाँ गया कैप, वहां देखा वो अपने बच्चे क्या करती थी, आप में पट्टी बांध के चिल्ला के बुला रही थी, क्या करी थी आप में पट्टी बांध के बुला रही थी, कम में भी कम, क्या बोल रही थी कम में भी कम, उसका बच्चा उसके पास पहुंचता दूसरे दिन समझा चिल्ला, क्या बोलती कम में भी कम, तो उसकी माँ अपने बच्चे क्या सिखाती कि हमेशा आगे बढ़ते, और अगल बगल हो गए क्यों क्या कर रही फटकारी की फटकारी, वहां वो माँ अपने बच्चे ये सिखा रही है कि दुनिया तुमको भटकाएगी, क्या करेगी भटकाएगी, लेकिन किसी के ऊपर आप मुंह के भरोसा मत करना, क्या मत करना आप मुंह के भरोसा मत करना, हमेशा अपने जो निश्चय किए हो अपना जो फोकस है उसके ऊपर ध्यान देना, मैं जहाँ चिल्ला रही वहां आना, ठीक है मैं जहाँ नहीं चिल्ला रही वहां नहीं, ठीक है तुमको सब भटकाएंगे लेकिन तुमको कहाँ जाना है जो तुम्हारा टारगेट हो, ये वो आत्मा क्या सिखा रही अपने बच्चे को टारगेट को पाना सिखा रही, सभी देश घूम डाले लास्ट में गए वो अपने भारत, कहाँ है भारत, वहां की माँ क्या बोला वहां की माँ अपने बच्चे कैसे चलना सिखा रही थी, ये माँ बच्चे को चलो बेटा चलो चलो राजा चलो आगे बढ़ो आगे, बाकी देश में माँ कहाँ थी बच्चे से अलग आगे अलग, यहाँ का एक साथ सिखाती की सिखाती है माँ चलो बेटा आगे बढ़ो करके, सिखाती की सिखाती, बच्चा 2 मिनट चला गिर गया, क्या हुआ गिर गया, 2 मिनट चला और गिर गया फिर रोना चालू कर, तुरंत माँ जाके पकड़ेगी उसको उठाएगी, बट बेटा राजा बेटा रुकते नहीं है कि बदरती माँ गिराई इसको मारो, इधर मार दिया फिर गिराया चल फिर चलना चाहिए फिर चलता है फिर गिर जाता है फिर रुआ उसको पकड़ के रुआ, अंत में क्या करना चालू करती उसके बाद वो गिर जाता है तो उसके दोनों हाथ को पकड़ेगी और अपने पैरों में रख के चलाती नहीं चलाती, ये भारत का महत्व क्या है महत्व, अपने बच्चे के प्रति किसने उसके आंसू गिरने से पहले वो उसके पास पहुंच गए हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ माँ अपने बच्चे क्या सिखाए मुश्किल वक्त में तेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्या सिखा रही है अपने राजा बेटा जो बोली उसको क्या सिखा रही होता है नहीं होता है देखे हो नहीं देखे हो अपने चाचा भाई मम्मी या जो भी है देखे हो नहीं देखे होता है नहीं होता है वो क्या सिखा रही अपने बच्चों को क्या सिखा, जब भी तुमको कुछ होगा मैं पहले आ गया उसको हिम्मत दे रही थी कायर कर हिम्मत दे रही है सर हिम्मत दे रही और हमेशा साथ रही उसको कायर बनाने के लिए, ये होता है अंतर, हमारे भारत देश में बेरोजगार होने का ये कारण अभी पर ईयर 14.71% बेरोजगार बच्चे होते हैं, जो आगे जाके तुम लोग भी कहलाओगे मैं भी कहलाऊंगा कोई भी कहलाएगा अगर पढ़ोगे नहीं और नहीं अपने लक्ष्य में नहीं पहुंचोगे कहलाओ, तो भारत में हर ईयर बढ़ते जा रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चे जो बच्चे को उसकी माँ क्या बोलती है क्या बोल रही है मैं क्या बोल रही है मैं तेरे साथ हिम्मत दे क्या बोल रही है राजा बेटा क्या बोल रही है बोल रहे नहीं बोल रहे राजा बेटा और राजा बेटा कहा नहीं करता नहीं करते ना ये है मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो निडर बनना पड़ेगा, जो बाकी देश की माँ समझाती है उसी का वहां देखना माँ इतना मोहम्मद नहीं रहते उन्हें छोड़ के भी चले जाते हैं तो उसका बच्चा आगे बढ़ जाएगा, और देख लो तुम लोग विदेश में चीन अभी 78 गोल्ड मेडल टोटल मेडल जीता है ठीक है ओलंपिक में, और जो तुम्हारे यहाँ अमेरिका 154 जीता है अपना भारत 67 जीता है जिसमें से एक गोल्ड था दो सिल्वर थे 3 ब्रॉन्ज, क्यों हमारे देश में सब आदमी आज कौन से पदार्थ में फ्री फायर पबजी और गाना इंस्टाग्राम पे ये सीखने में बहुत मजा होता है नहीं होता है, अभी इंस्टाग्राम में खुद कितना फॉलोवर्स है ये सब एकदम लाइन दर लाइन लाइक सब बता दो और कौन से चैप्टर में सेकंड पार्ट है कौन से चैप्टर में क्या है उसको कुछ नहीं बता पाओ गारंटी दे सकता हूँ या तीसरा लेसन
करने क्या है उसका नाम नहीं पता होगा। क्यों इंटरेस्ट किसमें? मोबाइल में, ठीक है। तो तुम लोग के लिए लाइन अच्छा लाइन है, सुनना पूरा अच्छा लगेगा, ठीक। सरहद पे सैनिक गोली खा रहा है, सरहद पे सैनिक गोली खा रहा है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जैसे सूर्य गोल्ड मेडल ला रहा है, सरहद पे सैनिक गोली खा रहा है, नीरज चोपड़ा जैसे सूर्य भारत के लिए गोल्ड मेडल ला रहा है। और तुम युवक, तुम युवक हो जो फ्री फायर और बचपन का प्यार जाने मेरी जाने मन जा रही। तो मैं तुम लोग यहाँ कोई मनोरंजन करने के लिए, मेरा दिमाग ये था कि जो चीज कर पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, जो कर रहे उसको 100% करो, ठीक है। मोबाइल वोबाइल तुम लोग जिंदगी भर में चला सकते हो, 60 साल में डॉक्टर होगा तब भी फ्री फायर कर सकते हो, कह सकते हो पबजी कर सकते हो, वही कर सकते हो। पढ़ाई कब तक कर पाओगे? 25 साल 30 साल ज्यादा जाए उसके बाद कर पाओगे, उसके बाद तो खुद तुम लोगों से हम लेंगे, कमाना है पढ़ाई क्या करोगे। तो जब पढ़ने की उम्र है तब तक पढ़ाई करो, और जिस उम्र के बाद जो है वो तो मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा तो मिलने नहीं मिलेगा सब है, सबको मिलेगा। अभी जो हम लोग कहें पढ़ाई करो, उसको ईमानदारी से करो। लेकिन सब लोगों को देखता हूँ सब फ्री फायर, मेरे पास स्कूल में ट्यूशन में जितने लोगों को देखता हूँ सबसे पहले सर कस्टम का बात करें, कहा कस्टम है तुम नहीं पता, ठीक है। ऐसे ऐसे महान आदमी है, ठीक है, पढ़ाई का बताओ उसको देने में भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपना जितना वो क्या खेलते उसका लेवल याद रखते हैं, हर चीज उसमें ये नया चीज आया उसमें नया चीज आएगी चीज तो बताएंगे, ठीक है। और हम लोग को उसी का है, जो चीज में इंटरेस्ट है तो जल्दी याद होता है, और जो चीज में नहीं होती कभी याद नहीं होता। गाना अच्छा याद होते क्यों? एक बार ट्यून का गाना नहीं सुनोगे, एक बार गाना सुनोगे मां मिला जाते होते क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पढ़ना नहीं, उसमें पेपर में ताना नहीं, आधा टेंशन तो वही खत्म, उसको पढ़ो बस खत्म। लेकिन पेपर है क्या है, आधा टेंशन पेपर में आएगा सर नंबर पाना, ये आधा टेंशन है उसको पढ़ते सीख लो। जबकि ये सोच के पढ़ोगे सिर्फ नॉलेज लेना है मेरे को, पेपर में आएगा मैं निपटा लूंगा, मेरे को सिर्फ आधा घंटा बैठ रहा हूँ उसको देख लूँ पूरा याद करूंगा मैं, वो मेरा काम। उस समय में कोई क्या चीज ला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, उसको ध्यान नहीं देना, तब तुम सही नॉलेज ले पाओ। हम लोग कोई चीज को बड़न बनाते हैं, वो वस्तु तुमको बड़न नहीं देता, वो तुम बनाते हो उसको अपने आप में, वो कठिन है विषय। मैथ्स कठिन है लेना नहीं, मैथ सबसे सरल होता है याद रखना, क्या होता है सबसे सरल, क्योंकि आंसर तुम्हारे आपके सामने दे दिया रहता है, दिया रहता है कि नहीं दिया रहता, मैथ्स में सब तुमको दे देगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश इतिहास में जाओ उसमें नहीं देगा, ठीक है। बाबर का पतन कैसे हुआ वो तुमको नहीं पता है, उसको तुमको लिखना है, लेकिन मैथ्स में तुमको दिया रहेगा। एक गाड़ी इतनी स्पीड से चल रहा है 50 स्पीड से, तो उसका वेग बताओ ये उसका दूरी बताओ, ये तुमको दिया जाएगा, मान दिया जाएगा नहीं दिया। मैथ्स को तुम लोग कठिन बनाते हो, कठिन नहीं रहता, ये तुम लोग को बताने के लिए आज शिक्षा दिवस से बोला, ठीक है। और रियल खुशी शिक्षा लोगों को तब होगा जब तुम पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। फंक्शन करो ये करो उससे नहीं, जब तुम पढ़ाई में अच्छा नंबर लाओ खुद अपने आप से तुम लोग को खुशी होगा, तुमको भी होगा सामने वाले को पढ़ाया मेरा कुछ को मेहनत काम आया। अभी जो मैं कहानी बताया उसको अगर तुम लोग समझोगे तो कुछ तुम लोग के ऊपर असर हुआ होगा, इतना मेरी उम्मीद थी, और नहीं हुआ होगा तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, लाइफ में कभी मत लेना रिवर्स, लाइफ में कभी मत लेना रिवर्स, 5 तरीकों में से बनाना शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस।